यहाँ पर भी मीनार हुआ करता था, ये टूट चुका है, और इसी तरह का मीनार इसके उस साइड में भी था। इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं इसमें, तो इसे 11 मेहराबों वाला ईदगाह भी कहा जाता है, जो सबसे पहला मीनार है इसका। यहाँ पर आपको ये कुरान शरीफ की आयतें दिखेंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं रज़ा खान आज आप लोगों को लेकर के आया हूँ हौस खास के एक बहुत ही ख़ास जगह पर। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दिल्ली का सबसे पहला ईदगाह। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का सबसे पहला ईदगाह था, जो कि तुगलक डायनेस्टी के वक्त में 600 साल से भी पहले बनाया गया था। तो अभी चलते हैं इसके करीब और चलकर आपको दिखाते हैं ये किस तरह से है, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एंट्रेंस गेट है, ये एक कॉलोनी के बीचों बीच बना हुआ है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये ईदगाह ये लिखा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये इसका एंट्रेंस गेट है, और अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत एक पार्क सा है और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ये मेंशन्ड है इस ईदगाह के बारे में, ये 1404 में बनाया गया था इसे, ये आप देख सकते हैं। और ये अंदर का व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ इसके ग्रीनरी है काफी। ये आप देख सकते हैं, और ये सामने है ईदगाह। तो अभी चलते हैं इसके करीब और चलकर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये, तो आप हमारे साथ बने रहे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ईदगाह है, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, बहुत ही यूनिक इसका ये स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं, ये इस साइड में इसका एक मीनार है, और इसी तरह से इसके दूसरे साइड भी मीनार हुआ करता था, बट शायद वो टूट चुका है। आप इसका देखेंगे, ये डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, इस तरह का आपको मॉन्यूमेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये मीनार इधर है, और ये इधर से ये पूरा फ्रंट एरिया का है ये लुक, और इसके फिर बैक साइड का है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं, इसको एक पूरा मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये पूरा ईदगाह। ये आप देखेंगे कि इसमें वॉल्स में ये मेहराब ये बने हुए, ये करीब 11 इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं इसमें, तो इसे 11 मेहराबों वाला ईदगाह भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, और इसका ये यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टेयर्स बना हुआ है, ये मिंबर है, ये देख सकते हैं आप, जहाँ से इमाम खुतबा दिया करते होंगे और यहाँ पे नमाज पढ़ाया करते होंगे इस जगह पे, ये आप देख सकते हैं। और इधर भी आपको सेम वैसे ही मेहराब दीवार में इसके बने हुए दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसका ये एंड है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही मीनार हुआ करता होगा, ये आप देख सकते हैं, जैसा अभी इसके फ्रंट साइड में था, बट ये टूट चुका है। यहाँ पर भी मीनार हुआ करता था, ये टूट चुका है, और ये आप देखेंगे ये इसके बैक साइड का एरिया। ये एक इसके चारों साइड में ये गार्डन बनाया गया है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी पार्क में आप हों। तो ये आप देखेंगे ये इसके बैक साइड का व्यू किस तरह का है, ये बड़े बड़े लाइम स्टोन से इसे बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं इसका व्यू बैक साइड का। और ये देखेंगे ये मीनार, ये बिल्कुल सही है अभी, और इसी तरह का मीनार इसके उस साइड में भी था, बट वो टूट चुका है अब। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको अभी से चारों साइड से दिखाया किस तरह से।
इसका फ्रंट का। हम लोग अब इसके वापस से फ्रंट साइड आ गए, ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। ये ईदगाह और ये इसके सामने का व्यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इस ईदगाह के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये ईदगाह जो है ये 1404 में इसे बनाया गया था। तुगलक डायनेस्टी के जो सबसे आखिरी सुल्तान थे, जिनका नाम महमूद शाह तुगलक था, उनके वजीर हुआ करते थे इकबाल खान, उन्होंने ही इस ईदगाह को बनवाया था 1404 में। तो 600 साल से भी ये पुराना हो चुका है। तो ये तुगलक डायनेस्टी के वक्त का ये पूरा ये मॉन्यूमेंट है, और ये आप देख सकते हैं, इसका भी मैंने आपको पूरा दिखाया व्यू किस तरह से। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस मीनार में एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये आप देखेंगे, यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें यहाँ पर आपको दिखेंगी, ये कलमा या कुरान शरीफ की आयतें यहाँ पर हैं। ये आप देखेंगे ये किस तरह से इस पर लिखा गया है पत्थर को तराश करके। ये आप देखेंगे, ये उसी वक्त में इसे लिखा गया होगा जब ये ईदगाह को बनाया गया होगा। ये आप देख सकते हैं, ये इस ईदगाह में इस तरह से कुरान शरीफ की आयतें यहाँ पर आपको दिखेंगी, जो कि एक फ्रेम सा बनाया गया है। ये रेड सैंडस्टोन का ये फ्रेम बनाया गया है और उसके ऊपर ये छज्जा लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें। और आपको इस ईदगाह में कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको इस मीनार में, जो सबसे पहला मीनार है इसका, यहाँ पर आपको ये कुरान शरीफ की आयतें दिखेंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह से है, जो इस मीनार को और भी ख़ास बनाता है। ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का सबसे पहला ईदगाह, उसका व्यू किस तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया दिल्ली का सबसे पहला ईदगाह। उम्मीद करता हूँ इसे देखकर और इसके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नई जगह पर, और तब तक अपना खास ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।